नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार, लर्निंग स्किल पे आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में 3 अगस्त के करंट अफेयर कवर करेंगे, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द व्हाट स्ट्रेंज पैराडाइज। व्हाट स्ट्रेंज पैराडाइज के ऑथर कौन है? तो राइट ऑप्शन होगा उमर अल अकद। उमर अकल अदर है जो इनके व्हाट स्ट्रेंज पैराडाइज बुक के ऑथर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली मुस्लिम वुमेन राइट डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट। हाल ही में मुस्लिम वुमेन राइट डे कब ऑब्जर्व किया गया है? तो राइट ऑप्शन होगा आपका 1 अगस्त को किया गया। 1 अगस्त को इसलिए किया गया कि 2019 में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, तो उसी के वजह से अपना मुस्लिम वुमेन राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसरो एंड नासा ज्वाइंट मिशन निसार सैटेलाइट विल लॉन्च इन विच ईयर। तो कब ये लॉन्च होगा? इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन है निसार के लिए, तो ये लॉन्च होगा 2023 के अंतर्गत। अभी 2021-22 में होने वाला था, मगर इसे एक्सटेंड कर दिया गया डेट को और 2023 के अंतर्गत इसे लॉन्च किया जाएगा। अगला है, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो हाल ही में ये रखा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर रखा गया ये फाउंडेशन माँ विंध्यवासिनी, क्योंकि यहाँ पे मिर्जापुर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये टेम्पल है माँ विंध्यवासिनी के नाम पे, तो वहीं पे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का स्टोन रखा गया है अमित शाह जी के द्वारा। अभी हाल ही में उसी दिन रखा गया था फोरेंसिक साइंस का फाउंडेशन लेड, तो ये रखा गया लखनऊ में, लखनऊ में इसे रखा गया। रिसेंटली DEPWD ऑर्गेनाइज्ड द सामाजिक अधिकारी शिविर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एड्स एंड असिस्टेंट डिवाइस टू दिव्यांगजन अंडर। तो ये हाल ही में DEPWD ऑर्गेनाइज किया है सामाजिक अधिकारी शिविर, और दिव्यांगन के लिए किया गया है जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, तो AIDIP स्कीम के तहत किया गया है। इसमें एड्स और असिस्टेंट पैसे या फिर किसी प्रकार की इक्विपमेंट जरूरत होगी वो प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली DU रिसर्चर डिस्कवर द न्यू फ्रॉग स्पेसीज इन द वेस्टर्न घाट, व्हाट इज द नेम ऑफ। तो राइट ऑप्शन होगा आपका मिनेरवा या पेनिटला। ये एक तरह का फ्रॉग है, इसे अभी DU के रिसर्चर्स ने वेस्टर्न घाट में इसे डिस्कवर किया है। कैराकल कनके सेथुराई इज ए फेरी सर्विस ऑफ द इंडिया इन विच कंट्री। तो हाल ही में इंडिया के द्वारा कैराकल कनके सेथुराई फेरी सर्विस लॉन्च किया गया, तो ये किया गया है श्रीलंका के लिए, श्रीलंका के लिए लॉन्च किया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो या महिला जयवर्धने है, दोनों राजधानी अलग अलग है। नेक्स्ट है, इंडिया विथ विच कंट्री विल वर्चुअली को होस्ट द 4th एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम। तो अभी हाल ही में इंडिया के द्वारा इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम लॉन्च किया गया है, वो किया गया है USA के साथ, ये 4th है, इससे पहले 3 लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली कल्याणी मेमन पास्ट अवे, सी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो अभी हाल ही में किसके रिलेटेड है कल्याणी मेमन? तो ये सिंगर थी, ये सिंगर थी और ये साउथ साउथ इंडिया की सिंगर थी, फेमस सिंगर थी। अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया 80 की एज में इलनेस की वजह से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली यहाँ पे इन नहीं होगा, रिसेंटली लॉन्च ई रूपी बाय द नरेंद्र मोदी, व्हाट इज दिस। तो ई रूपी जो है ये ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट है, ई रूपी का ऐप आएगा, उसके माध्यम से UPI के बेस्ट पे भी है, UPI जो है उससे लिंक है, तो इसे पेमेंट किया जाएगा। अगले देखते हैं, कल्चर मिनिस्टर लॉन्च विच प्रोग्राम फॉर द सेलिब्रेट आजादी का अमृत महोत्सव। अभी जो कल्चर मिनिस्ट्री है उसको वो लॉन्च किए यूनिक प्रोग्राम आजादी का अमृत महोत्सव, जब 75 इस बार 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंट सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो उसपे यूनिक्विक अरे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। अगला है, रिसेंटली इंडियन बैंक साइन द MOU विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सटेंडिंग द एक्सक्लूसिव क्रेडिट फैसिलिटी टू स्टार्टअप ऑन द MSME। तो अभी इंडियन बैंक ने MOU साइन किया है क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, वो किसके द्वारा है? तो स्टार्टअप और MSME के, MSME का जो स्टार्टअप है उसके लिए लॉन्च किया गया है, तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट ऑप्शन होगा आपका IIT बॉम्बे के द्वारा, IIT बॉम्बे के साथ मिलके ये लॉन्च किया गया है, इंडियन बैंक और IIT बॉम्बे। ये करा दिया हूँ, कैरिकल कनेक्शन इज ए फेरी सर्विस ऑफ इंडिया विच कंट्री, तो ये श्रीलंका के साथ ही कराया हूँ, अभी पीछे रिपीट हो गया है। हु पेंट द बुक टाइटल द इंडिया स्टोरी। अभी बुक टाइटल इंडिया स्टोरी किसके द्वारा पेंट की गई है? तो राइट ऑप्शन होगा आपका
विमल जलान, विमल जलान के द्वारा ये इंडिया स्टोरी अभी पिंड की गई है। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।